दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम का आगाज, प्रधानमंत्री रहे मौजूद, कहा आर्ट ऑफ लिविंग ने बताया संकट से जूझने का तरीका। श्री श्री के कार्यक्रम में करीब 3.5 घंटे से मौजूद प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी के दिग्गज नेता भी कर रहे हैं शिरकत। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में श्री श्री रविशंकर ने की कार्यक्रम को लेकर विवादों की चर्चा, कहा कोई अच्छा काम करना होता है तो विघ्न आते हैं। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 8,500 कलाकारों ने बांधा समा, ऑर्केस्ट्रा में बजाए गए 40 तरह के वाद्य यंत्र। श्री श्री के मेगा शो में भव्य प्रस्तुति, 1700 कलाकारों ने एक साथ मंच पर किया भरतनाट्यम। कार्यक्रम की शुरुआत में 1050 पीड़ितों ने किया वैदिक मंत्र, पंडितों ने किया वैदिक मंत्र का पाठ। वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर किया गया है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन। श्री श्री के कार्यक्रम में 155 देशों के कलाकार ले रहे हैं हिस्सा, 3 दिनों में कुल 35,00,000 लोगों के शिरकत करने का अनुमान। 7 एकड़ में बनाया गया है आयोजन स्थल, मंच पर बनाए गए हैं 9 गुंबद, हाईटेक रंग बिरंगी रोशनी का इस्तेमाल, दर्शकों के लिए LED स्क्रीन। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, NSG कमांडो भी तैनात। कार्यक्रम के आगाज से पहले झमाझम बारिश, लेकिन कलाकारों और दर्शकों के हौसले नहीं पड़े पस्त। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के सांस्कृतिक महोत्सव के चलते DND पर लगा जाम, कई दूसरे इलाकों में भी ट्रैफिक की समस्या। जुर्माने की रकम भरने को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग को राहत, NGT ने दिया 4 हफ्ते का वक्त, AOL ने डाली थी याचिका। सुनवाई के दौरान NGT ने श्री श्री के बयान को लेकर भी दागे सवाल पूछा, क्या ऐसा कहा गया है कि जेल जाने को तैयार है लेकिन फाइन नहीं भरेंगे। सुनवाई के दौरान NGT की तल्ख टिप्पणी, अगर श्री श्री ने दिया है बयान तो समाज में जाएगा गलत संदेश, उन्हें करना चाहिए संविधान का सम्मान। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को बड़ी राहत, विश्वविद्यालय प्रशासन ने खत्म किया सभी 8 आरोपी छात्रों का निलंबन। मिर्जापुर में कन्हैया कुमार का पुतला फूंका, स्थानीय बीजेपी नेता ने दी जान से मारने की धमकी। कन्हैया को बहस की चुनौती देने वाली छात्रा को सोशल मीडिया में मिली धमकी, लुधियाना पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत। JNU विवाद में अनुपम खेर की एंट्री, कैंपस में अपनी फिल्म नहीं दिखाने के बहाने कन्हैया कुमार पर निशाना साधा। आज तक से बातचीत में अनुपम का आरोप, दिखाना चाहता था फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, लेकिन यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया जवाब। JNU ने अनुपम खेर के आरोपों को किया खारिज, सिनेमा स्टडीज की प्रोफेसर ईरा भास्कर बोली वक्त की कमी की वजह से नहीं दिखाई गई फिल्म। वर्ल्ड T20 मुकाबले के लिए भारत आ रही पाकिस्तान की टीम, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दी हरी झंडी। आज रात या कल सुबह तक भारत पहुंच सकती है पाकिस्तानी टीम, 19 मार्च को भारत के खिलाफ कोलकाता में है भिड़ंत। टीम की सुरक्षा को लेकर भारत से भरोसा चाहता था पाकिस्तान, केंद्रीय गृह सचिव और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त की मुलाकात के बाद बनी बात। कोलकाता में पाकिस्तान के साथ मैच के लिए जोरदार तैयारियां, ईडन गार्डन में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। कोलकाता से मुंबई पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ी, कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा दूसरा प्रैक्टिस मैच। राजस्थान के नागौर में शुरू हुआ RSS का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन, अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता कर रहे हैं शिरकत। 10 दिनों तक चलेगा संघ का प्रतिनिधि सम्मेलन, लिए जा सकते हैं कार्यकर्ताओं के ड्रेस बदलने समेत कई और फैसले। खाकी के बदले नेवी ब्लू कलर में नजर आ सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, नागौर में ड्रेस कोड बदलने का प्रस्ताव हो सकता है मंजूर। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल का मैनिफेस्टो, ममता बनर्जी ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राज्य में पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ पुलिस की बदसलूकी को लेकर हाईवे पर जाम। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, स्मृति ईरानी को लेकर सरकार को घेरा।
चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन अकाली सरकार के खिलाफ कई मोर्चों पर नाकामी का पूरा ठीकरा। गैर मराठियों को ऑटो रिक्शा का परमिट देने के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन, अंधेरी आरटीओ के करीब सड़क जाम। ऑटो को लेकर राज ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र सरकार की सफाई, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले किसी खास कंपनी को नहीं दी जा रही है तरजीह। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्रियों को नोटिस, सरकारी आवास छोड़ने का आदेश। ₹9,000 करोड़ के कर्ज में डूबे विजय माल्या को ईडी ने ईमेल से थमाया समन, 18 मार्च तक हाजिर होने का फरमान। माल्या के दो पूर्व अधिकारियों से ईडी ने की पूछताछ, किंगफिशर एयरलाइंस और यूबी ग्रुप के पूर्व सीएफओ से दागे गए सवाल। 2 मार्च को देश छोड़ने के बाद पहली बार विजय माल्या का ट्वीट, भगोड़ा बताने के आरोप को बताया गलत, लिखा मैं इंटरनेशनल कारोबारी। विजय माल्या के खिलाफ सर्कुलर को लेकर सीबीआई ने मानी गलती, कहा छोटे स्तर के कर्मचारी से हुई लापरवाही। संसद की सुरक्षा की खुली पोल, बिना पास के सदन के मुख्य गेट तक पहुंचा 25 साल का एक युवक। उन्नाव का रहने वाला है, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला प्रदीप, सफाई कर्मचारियों वाले गेट से की थी एंट्री। प्रदीप के पास से बरामद हुआ काला बैग, मोबाइल फोन, 12वीं का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, पूछताछ कर रही है पुलिस। सामने आई एयर इंडिया के फ्लाइट में कर्मचारियों के बीच झगड़े की तस्वीर, तनातनी की वजह से 2 घंटे देरी से उड़ी थी दिल्ली त्रिवेंद्रम उड़ान। जम्मू कश्मीर हाईवे पर आईईडी मिलने से फैली सनसनी, सेना ने मौके पर पहुंचकर किया निष्क्रिय। होशियारपुर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में खराबी के चलते पायलट ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया ब्लास्ट, 3 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 56 नक्सलियों का सरेंडर, सरकार की ओर से दी गई 10,000 की नकद राशि। कर्नाटक के बीदर में अंधविश्वास की तस्वीर, 9 महीने के दिव्यांग बच्चे को करीब 3 घंटे तक कीचड़ में रखा। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में चलती कार में बलात्कार, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में नगर निगम की गाड़ी ने 11 साल के बच्चे को कुचला, स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम और बाजार बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में महिला ने की बाइक सवार की पिटाई, लिफ्ट देने के बाद सही जगह पर उतारने से किया था इनकार। लखीमपुर खीरी में रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिली 17 साल की युवती की लाश, पंखे से लटक कर की खुदकुशी। कोलकाता एयरपोर्ट के गेट के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने की जांच। झारखंड के देवघर में स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन से लड़की अगवा, 5 लड़कों ने किया दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी पर गांव वालों ने निकाला गुस्सा। राजस्थान के सीकर में बारात से भरी जीप हादसे के शिकार, 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बांध बनाने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही, सो रहे मजदूर पर डंपर ने डाली मिट्टी, मजदूर की मौत। रायबरेली में मानसिक रूप से बीमार महिला से गैंगरेप, गंभीर हालत में खेत में मिली पीड़ित। पुणे के एक स्कूल की पानी टंकी से 3 दिन बाद निकला 9 साल का बच्चा, पढ़ाई के डर से टंकी में छिप गया था। राजस्थान के अलवर में बाइक को मिनी बस ने मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत। मेरठ गढ़ रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 गाड़ियों में भिड़ंत से 1 महिला की मौत। कानपुर में शादी के जश्न में फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौत। रोहतक में काले तेल की रिफाइनरी में मिली 3 मजदूरों की लाश, करंट लगने से मौत की आशंका। महाराष्ट्र के गोंदिया में बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दो चंदन तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में लाल चंदन की लकड़ी बरामद। बिहार के नवादा में धार्मिक स्थल पर चाकूबाजी से भड़के लोग, आसपास की दुकानों को किया आग के हवाले। इंदौर में मेडिकल कॉलेज के 8 डॉक्टर गिरफ्तार, महिला दिवस पर लड़कियों को व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप। मध्य प्रदेश के सागर में लोकायुक्त पुलिस की दबिश, 5,000 की घूस लेते धरे गए बैंक मैनेजर और बैंक कर्मचारी। कोलकाता में चिटफंड स्कैम में सीबीआई की कार्रवाई, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में शादी के जश्न में फायरिंग, बारात पक्ष के 4 लोग घायल। हाथरस में रूई की फैक्ट्री में आग, करीब 1 करोड़ के नुकसान की आशंका। राजस्थान के धार में नाबालिग आदिवासी लड़की को अगवा किया, 2 दिन तक गैंगरेप। यूपी के एटा में ससुराल में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, 1.25 साल पहले हुई थी शादी, दहेज के लिए सताने का आरोप। राजस्थान के दौसा में बड़े भाई और पत्नी ने मिलकर ली एक शख्स की जान, पोस्टमार्टम के दौरान खुलासा। फैजाबाद में पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद को मारी गोली, शराब पीने को लेकर बच्चों के सामने हुआ था झगड़ा। लखनऊ में 11वीं की छात्र ने की खुदकुशी, सुइसाइड नोट में पिता के खराब व्यवहार को ठहराया जिम्मेदार। कर्नाटक के गुलबर्गा में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। वडोदरा के डांडिया बाजार में बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित निकले। धौलपुर में तापमान बढ़ते ही प्रवासी पक्षियों का पलायन शुरू, इक्के दुक्के विदेशी परिंदे ही आते हैं नजर। श्रीनगर में विंटर क्रिकेट का आयोजन, स्थानीय लोगों में जबरदस्त जोश। गाजियाबाद में सीआईएसएफ ने मनाया स्थापना दिवस, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ली परेड की सलामी। मथुरा पहुंची स्पिरिट इंडिया रेस, डायबिटीज और कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से दौड़। भोपाल की झुग्गी में लाइब्रेरी चला रही है 9 साल की मुस्कान, किताबें पढ़ने के लिए आते हैं पूरी बस्ती के बच्चे। लखनऊ में फेसबुक ने किया बूस्ट योर बिजनेस कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को सिखाए सोशल मीडिया की मदद से कारोबार बढ़ाने के गुर। जिनेवा में यूएन के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, बलूचिस्तान और गिलगित की नीतियों को लेकर उठे सवाल। अमेरिका में लॉस एंजलिस के एक इमारत में भीषण आग, घंटों तक दमकल विभाग की गाड़ियां करती रही मशक्कत। इस्लाम को लेकर अपने बयान पर कायम है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बोले एक तरह के नहीं होते सभी मुसलमान। मध्य चिली में आग से बड़ी तबाही, 1,000 साल पुराने साइप्रस पेड़ों के वजूद खत्म होने का खतरा। ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है, साध्वी प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी मी हु इज गोइंग टू बी टॉकिंग टू यू, इट्स गोइंग टू बी मी हु इज गोइंग टू टेल यू व्हाट्स न्यू फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। वी हैव न्यूज़, वी हैव रिव्यूज एंड वी हैव साहिल डूइंग द रेडमी नोट 3 रिव्यू एंड